Welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. Today I am going to discuss the next topic of Class 10, Chapter 12, Electricity, that is Electric Power. Electric Power का मतलब क्या होता है? हम किसी भी एक electrical equipment को, appliances को, एक cell और battery के across connect करते हैं. तो क्या होता है? उसके अंदर से current flow करने लग जाता है. तो cell और battery करती क्या है? Cell और battery एक potential difference create करती है. वो potential difference create होने पे electrons जो है वो move होने लग जाते हैं. ठीक है? इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो करंट मूव होगा. ठीक है? तो उस करंट को कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रखने के लिए उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करके रखना पड़ेगा. वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? सेल और बैटरी जो है अपने अंदर जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है उससे जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है. ठीक है? तो पावर वहीं से निकलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है, किस रेट पे मूव करा रहा है. ठीक है? किस रेट पे वो काम कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए कितना काम कर रहा है, मतलब जल्दी जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन या फास्ट जा रहा है. ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर. तो पावर क्या होती है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम. मतलब इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए उसे कुछ काम करना पड़ रहा है. वो काम वो कितनी देर में कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर. अगर वो काम जल्दी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं, इट मीन्स जल्दी जल्दी करंट फ्लो हो रहा है, फास्ट करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स उसकी पावर क्या है? बहुत ज्यादा है. ठीक है? अगर वो धीरे धीरे जा रहा है, इट मीन्स उसकी पावर क्या है? बहुत कम है. तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर को हम क्या बोल सकते हैं? इट्स अ रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है? अब इसके एसआई यूनिट पे वर्क करते हैं. एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज 1 वॉट. क्या होती है? 1 वॉट. जैसे अब पावर की यूनिट क्या होगी? 1 वॉट. वर्क डन को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? जूल्स में. टाइम को कितने रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड में. तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है? तो अगर आपको 1 वॉट को डिफाइन करना है तो आप इसको यहाँ पे भी बोल सकते हैं, द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. अब जितना वर्क डन किया है, जितना काम हुआ इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, उतनी उसके अंदर क्या थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी. ठीक है? उतनी सेल और बैटरी के अंदर क्या थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी. ठीक है? या फिर अप्लायंसेस के अक्रॉस आप मूव करा रहे हो तो उनकी भी खुद की कुछ पावर होती है. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम. जैसे जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो आप काम करोगे ना. अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, कम एनर्जी होगी तो आप कम काम कर पाओगे. तो इसीलिए वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब सेम होता है. तो आप इसके अकॉर्डिंग एक न्यू डेफिनेशन और लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इट्स पावर इज सेट टू बी 1 वॉट. ओके, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, प्लीज राइट इट अगेन. व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी हम क्या कह रहे थे कि वर्क डन कर रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है. तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट, किस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है? 1 जूल पर सेकेंड पे. तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस पावर को क्या बोलेंगे? 1 वॉट. क्या बोलेंगे? 1 वॉट. ठीक है? अब यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया. जो वॉट होती है, जब वेरी स्मॉल यूनिट, तो हम बिगर यूनिट भी यूज करते हैं, दैट इज किलो वॉट. तो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट. क्या होता है? 1000. अब हम मोर वन और फॉर्मूले डिराइव करते हैं ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ बी एंड क्यू. ठीक है? इसको आप रिप्रेजेंट कर दो फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है? आपको पता है वी क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू. That is potential difference is equal to work done per unit charge. हम यही बोलते हैं potential difference. तो W क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, V into Q. ठीक है? I आपको पता है, I क्या होता है? Q upon T. ठीक है? Charge, when the charge of 1 coulomb flows in 1 second, हम उसको क्या बोलते हैं? Current of 1 ampere.
तो क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से आई इंटू टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, ओके। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई इंटू टी। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट डाउन कर सकते हैं क्योंकि W इज वर्क डन, वर्क डन की जगह हम V इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं, तो हम रिप्लेस करेंगे इसको, पुट W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, दैट इज V इंटू आई। तो हम पावर को क्या बोल सकते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पर्टिकुलर कंडक्टर इन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या डेफिनेशन आएगा, दैट पावर एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग अ रेजिस्टर और टर्निंग अ मोटर डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितना करंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो पावर डिस्प्ले करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क डन करेगा। अब यहां से हम एक और यूनिट निकालते हैं, पावर क्या होता है, वन वोल्ट, वोल्ट का वन वोल्ट, करंट इज वन एम्पियर, तो आप क्या लिख सकते हो, वन वोल्ट एम्पियर, दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये जो पावर है इसकी एसआई यूनिट ये भी हो सकती है, एसआई यूनिट वॉट ही रहती है, वन वोल्ट को हम यहाँ वन जूल पर सेकेंड में लिख सकते हैं अगर वी आर एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ जूल, बट इफ वी आर एक्सप्रेसिंग इन द टर्म्स ऑफ वोल्ट और एम्पियर, तो वी कैन राइट वन वोल्ट इज इक्वल टू वन वोल्ट इंटू वन एम्पियर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वन वोल्ट इज द पावर कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच वेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट एंड कैरीज अ करंट ऑफ वन एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसी से हम और भी फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे, T इज इक्वल टू क्या बताया हमने, V इंटू आई। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई एफ, ठीक है। तो आप रिप्लेस कर सकते हो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इज इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। या आप I को भी रिप्लेस कर सकते हो, I क्या होता है, V अपॉन R बाय ओम्स लॉ अगेन, ठीक है। इसको आप इक्वेशन वन मार्क कर दीजिए, वन आपने नीचे मार्क की थी, टू आपने मार्क की थी, ठीक है। इसको आप थर्ड इक्वेशन लिख दीजिए, तो यहाँ पे दिस वुड बी थर्ड इक्वेशन, तो पुट V इज इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन थ्री, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट कर दें, पुट I इज इक्वल टू V by R in equation 3 again, तो आप इसको पुट करेंगे, P is equal to V into V by R, that is V square by R, तो ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, एक आपकी आइडेंटिटी ये होगी, एक आपकी आइडेंटिटी ये होगी, ठीक है। तो आप ये तीन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिपेंड हमें क्या चीज गिवन है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम जनरली यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी क्या होता है, कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला हम जनरली यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या होता है, कांस्टेंट, और ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज और करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, इफ वी हैव अ नॉलेज अबाउट करंट एंड रेजिस्टेंस तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, बट जनरली इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी अप्लाई फॉर्मूला पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय आर, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम रेटिंग करते हैं जैसे अप्लायंसेस, ठीक है, पावर रेटिंग। आपने देखा होगा जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर ऐसे रेटिंग होती है, 100 वॉट, 220 वॉट। आप अपने घर की ट्यूबलाइट या बल्ब उठा के देखिए, वहां पे इस टाइप ऑफ रेटिंग होगी। इन रेटिंग का मतलब क्या है, इसका रेटिंग का मतलब है उस बल्ब को अगर हम 220 वोल्ट या उस पर्टिकुलर अप्लायंस को जिसकी रेटिंग ये है 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वो कितनी पावर कंज्यूम करता है, 100 वोल्ट। कितनी पावर कंज्यूम करता है, 100 वोल्ट, मतलब 100 जूल्स पर सेकेंड वो वर्क डन करेगा।
एक सेकेंड में 100 जूल्स का काम करेगा वो अप्लायंस अगर हम उसको 220 वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट की अगर हमें उसे सप्लाई दे रहे हैं, उसके अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 वॉट पावर वो देगा। ठीक है, 100 जूल्स पर सेकेंड का वो वर्क डन करेगा। ये पावर रेटिंग का मतलब होता है। आई होप ये समझ में आया आपको, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, तो पावर रेटिंग हमें बताता है कि अगर हम पर्टिकुलर वोल्टेज उसे सप्लाई कर रहे हैं तो कितनी वो पावर हमें देता है, कि उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन किस रेट पर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग कोई भी ट्यूब लाते हैं घर पे, या हम लोग कोई गीजर लाते हैं, या हम लोग कोई एसी लाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, पावर पता होती है हमें कितनी है, लेकिन हमारे माइंड में ये रहता है हम इतने पावर की लेकर आ रहे हैं तो इसका इसको यूज करने से कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ठीक है, तो वो सब हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? आपने पढ़ा था पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितना काम होगा उतनी ही एनर्जी होगी, मीन्स जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही तो काम करेगा, उससे ज्यादा वो काम कर नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है उतना ही तो काम होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यू हैव टू राइट फुल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, यू कैन राइट कंज्यूम ऑल्सो पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर। ठीक है, तो पावर को हमने रिप्रेजेंट किया पी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से, टाइम को डी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई? ये उधर चला जाएगा पी इंटू डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किस पे डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ एन अप्लायंसेस, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस इनटू द टाइम फॉर विच दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज यूज्ड। ठीक है, मतलब अगर सपोज मैंने बोला 100 वॉट का एक बल्ब है, उसको मैं 1 आवर के लिए यूज कर रही हूँ, तो मैं एनर्जी कंज्यूम कितनी बताऊंगी? 100 वॉट इंटू 1 आवर, दैट इज 100 वॉट आवर। ठीक है, तो मीन्स उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? 100 वॉट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर रेटिंग ऑफ दैट अप्लायंसेस इनटू द टाइम, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज दैट व्हेन अ पर्टिकुलर पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कंज्यूम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट्स निकालते हैं। E इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? दिस वॉज एन एग्जाम्पल। ओके, P इंटू टी, पी की यूनिट क्या होती है? वॉट। टाइम को हम किस में ले रहे हैं? आर को। तो दिस वुड बी वॉट आर। ठीक है, तो 1 वॉट आवर हम क्या बोलेंगे? 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड फॉर एन 1 आवर। एक 1 वॉट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको हम 1 आवर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? 1 वॉट आवर। अब जो 1 वॉट आवर है, इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो इसके लिए हम बिगर यूनिट यूज करते हैं। वॉट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? किलो वॉट आवर। मीन्स अगेन सेम that when an electrical appliance of power rating 1 kilowatt is used for 1 hour, then electrical energy consumed would be 1 kilowatt hour. ठीक है, तो 1 kilowatt hour जो है वो क्या है? H, आप खाली H भी लिख सकते हैं। 1 kilowatt hour is basically a bigger unit of electrical energy consumed and it is a commercial unit of electrical energy. It is a commercial unit of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जो भी आपके जो बिल्स आते हैं,
ठीक है, उसमें आप लोगों अगर आप ध्यान से देखेंगे लिटरेसी टेबल को आप स्टडी करेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि आपने 4 यूनिट कंज्यूम किया हुआ है या 50 यूनिट्स कंज्यूम किया हुआ है या 100 यूनिट्स कंज्यूम किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन यूनिट्स का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। जब 1 किलोवाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे के यूज कर रहे हैं उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको 1 किलोवाट आवर बोल रहे हैं एंड 1 किलोवाट आवर को हम इक्वल कर देते हैं 1 यूनिट। अगर हमें बोल रहे हैं 100 यूनिट्स यूज किए मींस आपने 100 किलोवाट आवर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किए, 50 यूनिट्स यूज किए तो 50 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करी है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो अगर हमें 1 किलोवाट आवर को हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें एनर्जी को जूल्स में रिप्रेजेंट करना है तो हाउ वी विल डू, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मैंने एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिक 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर मीन्स इन टू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट इन टू 1 आवर। 1000 वॉट का मतलब क्या होता है, 1000 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि हमने पढ़ा है T is equal to W/T, जूल्स पर सेकेंड इज 1 वॉट, तो 1 वॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जूल्स पर सेकेंड इन टू 1 आवर। एंड 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 60 into 60 seconds। ठीक है, तो आप इसको इनको मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 1000 1 2 3 4 5 2 3 4 5 seconds a second cancel that is joules, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 1 2 3 4 5 6 10^6 joules। तो 1 किलोवाट आवर को अगर आपको joules में convert करना है तो you can write it 3.6 into 10^6 joules। अगर आपको energy consume joules में निकालनी है तो आप पहले किलोवाट आवर में निकालिए और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 into 10^6 जूल्स। ठीक है, अब आप कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, जो आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आप कैसे निकालते हैं, जो हमें प्राइजेस दिए होते हैं वो 1 यूनिट के दिए होते हैं, लाइक आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है वो आ रही है रेट ऑफ ₹3 per unit। मतलब अगर आप 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कितने प्राइस देना पड़ेगा, ₹3। ठीक है, तो अगर आप 100 किलोवाट एनर्जी यूज कर रहे हो, 100 यूनिट आप यूज कर रहे हो तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, या आपका टोटल 3000 प्राइस आ जाएगा। तो जो भी हमें प्राइस दिया होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो पर यूनिट के हिसाब से प्राइस दिया, तो वॉट एवर बी द प्राइस, आप उस प्राइस को जितनी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है आपने वो निकाली किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपका आंसर आ रहा है 100 किलोवाट आवर आपने एनर्जी कंज्यूम की है तो आप 100 किलोवाट आवर को किससे रिप्लेस कर देंगे, यूनिट से, तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट्स। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 100 यूनिट्स, एंड मुझे जो प्राइस दिया होगा वो किसके हिसाब से दिया होगा, 1 यूनिट के हिसाब से, तो 100 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 into that price, वो आपका टोटल रेट हो जाएगा, उतना आपको पर्टिकुलर बिल पे करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हाउ वी कन्वर्ट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू जूल्स। This derivation is very important. Sometimes this result can be used directly. Sometimes we have to show how kilowatt hour is related to the joules by this derivation. I hope this point. Heating effect of electric current. आपको पता है जब electric current flow करता है तो वो तीन चीजें produce करता है, chemical effect, magnetic effect and heating effect. ठीक है, magnetic effect we will study in the next chapter, that is magnetic effect of current. In this section we have to study about the heating effect of electrical. आपने देखा होगा जो भी electrical heating devices होती हैं, जैसे electric toaster होता है, oven होता है, heater होता है, वो जब उसमें से आप electric current pass करते हो तो वो एकदम से red glow हो जाते हैं और large amount of heat is released. तो उसका मतलब क्या है, वहां पे जो electricity वहां पे हम flow करा रहे हैं वो electricity किसमें convert हो रही है, heat में convert हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं heating effect of electrical. तो
इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमेशा ये नहीं कि उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कहीं पे ज्यादा प्रोड्यूस करती है कहीं पे कम। वो डिपेंड होता है कि हम जिसके थ्रू करंट पास करा रहे हैं उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस कैसा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जब करंट फ्लो करेगा उसको वो डिवाइस उस करंट को रोकेगा, उस करंट को रोकने के लिए एनर्जी लगाएगा, तो उस करंट की जो एनर्जी है वो करंट एनर्जी लगाएगा, वो करंट उस एनर्जी को अपोज करने के लिए फ्लो करने की कोशिश करेगा। जब वो फ्लो करने की कोशिश करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अपोज होगा, जितना ज्यादा अपोज होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब भी हम हाई रेजिस्टेंस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, तो वहीं से हम स्टडी करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा डिजायरेबल नहीं होता, क्योंकि जो हीट है इट इज अ वेस्ट। जो एनर्जी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, इट्स अ वेस्ट ऑल्सो। लेकिन हम इसको यूजफुल वे में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें यूजफुल वे में कैसे यूज कर सकते हैं वो हम अभी आगे एप्लीकेशन में सब कुछ पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो वेस्ट प्रोसेस भी है और यूजफुल भी है। तो हम कैसे उसको यूजफुल बना के यूज कर सकते हैं वो हम आपको एप्लीकेशन में बताएंगे। ठीक है, तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो करता है, कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आर है, उससे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कुछ काम करेगा, कुछ वर्क डन करेगा उस करंट को फ्लो कराने के लिए, ताकि वो करंट कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे। तो डब्ल्यू क्या होगा, वी इंटू क्यू। ओके, एंड वी आपको पता है ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन वन, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आईआर बाय ओम्स लॉ। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट द करंट आई विल बी फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू वी इंटू क्यू। क्योंकि हमने पता था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। ठीक है, एंड आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। दिस वुड बी सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो वी विल डू व्हाट, वी विल डू पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो W इज इक्वल टू वी की जगह क्या रखोगे, आई आर, क्यू की जगह क्या रखोगे, आई इंटू टी। तो आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, दिस इज वर्क डन। अब जितना वर्क डन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उतनी हीट उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगी। तो वर्क डन को आप हीट प्रोड्यूस से भी रिप्लेस कर सकते हैं बाय स्टेटिंग दैट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू हीट एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज, एंड दिस इज इक्वल, दिस इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर हम बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर ले रहे हैं और ज्यादा देर तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सारी हीट एनर्जी में। और कितनी हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगी वो हम यहां से देंगे, आई स्क्वायर आर टी। और तो यहाँ पे हीट एनर्जी की जो एसआई यूनिट क्या होगी, ये किसमें कैलकुलेट होगा, जूल्स में। इसीलिए हम इसका नाम क्या लेते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब यहाँ से देखिए, जो हीट एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब जितना करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा उसका डबल हीट प्रोड्यूस होगी। सपोज अगर करंट मैं टू टाइम्स इंक्रीज कर रही हूँ तो हीट प्रोडक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, फोर टाइम, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ आयर, मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द हीट। तो अब बताइए सीरीज सर्किट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या पैरेलल सर्किट में। अब हमने पढ़ा था सीरीज में जो टोटल होता है आर टी एस, सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है देन पैरेलल सर्किट। तो हीटिंग इफेक्ट जो सीरीज सर्किट में है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा देन द पैरेलल सर्किट। एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो करा गए, मोर द टाइम, जितनी ज्यादा देर के लिए हम करंट फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब आपको पता है आर क्या होता है, रो एल बाय ए। ठीक है, लेसर द एरिया मोर विल बी द रेजिस्टेंस। इसका मतलब थिन वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू
सॉरी थिन वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू थिक वायर. तो जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मीन्स जितनी थिन वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. तो थिन वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू थिक वायर. इसीलिए हीटिंग इफेक्ट जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हमें यूज करना होता है, तो हम थिन वायर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ थिक वायर. वाय? क्योंकि थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है एंड लेसर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर विल बी द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हीटिंग इफेक्ट का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं? हमने अभी देखा कि सारी जितनी डिवाइसेज हैं जिसमें हम लोग हाई रेजिस्टेंस वायर यूज कर रहे हैं वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्या सभी जगह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं? नहीं. अगर हम फैन की बात करें, फैन में जो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कंज्यूम हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में, उसको रोटेट कराने में. तो हर जगह पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बट हाँ उसको ज्यादा देर तक चलाए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, वो गर्म हो जाता है, वो हॉट हो जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती. लेकिन जो भी हम हीटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कैटल हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इन सब में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू हीट. ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी. ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या होता है, हम ऐसी क्या चीज यूज करते हैं? उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, लेट मी टेल यू. उसमें हम लोग निक्रोम अलॉय की वायर यूज करते हैं. निक्रोम अलॉय क्या यूज करते हैं इन डिवाइसेस में? हम निक्रोम अलॉय यूज करते हैं. निक्रोम अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. अब देखो, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा. अगर टेम्परेचर राइज हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो गया, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो वो मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. तो इसीलिए हमें ऐसी डिवाइसेस, इन डिवाइसेस में ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जिनका रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो, ताकि वो मेल्ट ना हो. तो हम लोग हीटिंग डिवाइसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? निक्रोम अलॉय. निक्रोम अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और जब ये रेड हॉट हो जाता है, व्हाइट हॉट हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर अराउंड हीटिंग डिवाइसेस के अंदर 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है एंड एट दिस टेम्परेचर इट इज नॉट मेल्टिंग. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द निक्रोम अलॉय. ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब जो भी इनकी कनेक्टिंग वायर्स होती है वो कॉपर वायर की बनी होती है, वो हॉट नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, उससे इजिली करंट फ्लो हो रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा, इसलिए वहां पे कोई भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा. सेकेंड इज बल्ब्स. बल्ब्स का जो यूज होता है, बल्ब में आपने देखा वो में लाइट एनर्जी को देने के लिए यूज होता है. हम बल्ब कब जलाते हैं? जब हमें रूम में डार्कनेस को रिमूव करना होता है. ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं हम टंगस्टन फिलामेंट. क्या यूज करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट. टंगस्टन फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस. इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, जो टंगस्टन फिलामेंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और ये हाई टेम्परेचर पे जल्दी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता. ठीक है, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट डज नॉट गेट इवेपोरेटेड एट हाई टेम्परेचर. तो इसीलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं इन मेकिंग द बल्ब्स. तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट इज इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट. सेकेंड, इट हैज वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी वजह से हम इसको वायर की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड थर्ड, इट डज नॉट गेट इवेपोरेटेड एट हाई टेम्परेचर. इवेपोरेशन नहीं होता. ठीक है, लेकिन जो टंगस्टन फिलामेंट है इसमें ज्यादातर एनर्जी जो होती है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू लाइट एनर्जी जिसकी वजह से डार्कनेस रिमूव होती है. तो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन हमें वहां पे लाइट चाहिए. तो इसीलिए कहते हैं बल्ब की जगह आप क्या यूज करो? ट्यूबलाइट्स. ट्यूबलाइट्स आर मोर एफिशिएंट देन द बल्ब्स टंगस्टन. नेक्स्ट इज टंगस्टन के जो बल्ब्स हैं उसके अंदर हम एयर नहीं फिल करते. अगर हम एयर फिल करेंगे तो एयर के साथ एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. उस हीटिंग हाई टेम्परेचर पे एयर के साथ टंगस्टन फिलामेंट रिएक्ट करके बर्न कर जाएगा और हमारा बल्ब खराब हो जाएगा. तो इसीलिए वहां पे अनरिएक्टिव गैसेस फिल करते हैं, आर्गन. हम क्या फिल करते हैं? आर्गन, नियॉन,
नाइट्रोजन जैसी गैसेस फिल करते हैं. नाइट्रोजन गैस जो है हाई टेम्परेचर पे भी ब्रेक डाउन नहीं होता. एंड एन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतने हाई टेम्परेचर पे भी ब्रेक डाउन नहीं होता. तो अनरिएक्टिव गैसेस फिल करते हैं आर्गन, इट्स अ नोबल गैस, ताकि जो बल्ब का फिलामेंट है वो इन गैसेस के साथ रिएक्ट ना करे और हमारा जो बल्ब है वो सेफ रहे. लेकिन हम लोग बल्ब का प्रेफरेंस नहीं यूज करते, बल्ब यूज नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी रादर देन लाइट एनर्जी, और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज this is very very important application. fuse क्या होता है? fuse is a protective device. ठीक है, हम circuits में लगाते हैं, series में लगाते हैं किसी भी appliance के साथ, ताकि जब excess amount of current उस circuit में flow करे तो वो fuse जो है fuse की wire melt हो जाए और circuit break हो जाए. circuit break होगा तो current flow नहीं करेगा और हमारी electric device जो है वो खराब नहीं होगी. तो फ्यूज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच इज यूज इन सीरीज कनेक्शन विद एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इफ द हाई अमाउंट ऑफ करंट जितनी डिजायरेबल है उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो कर गया तो हमारा जो अप्लायंस है वो जल सकता है ना, वो खराब हो सकता है. तो उस अप्लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं, ताकि उस ज्यादा करंट फ्लो होने पर उसकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाए. मेल्ट होते ही सर्किट क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. फ्यूज की जो होती है पर्टिकुलर रेटिंग्स होती है, लाइक 1 एम्पीयर फ्यूज, 2 एम्पीयर फ्यूज, 3 एम्पीयर फ्यूज, 4 एम्पीयर फ्यूज, 5 एम्पीयर फ्यूज एंड सो ऑन. ये डिपेंड करता है हम कैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूज लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी पावर है 1 किलोवाट और वो ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पे. ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा? T इज इक्वल टू क्या होता है? V इनटू I. 1 किलोवाट मींस 1000 वाट. V is 220 into I. जब I को आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? It would be 4.54 एम्पीयर. मींस इसके थ्रू कितना, इस डिवाइस के थ्रू, ये कोई डिवाइस है वन जो इतने पावर रेटिंग पे ऑपरेट हो रही है इतने वोल्टेज के अक्रॉस. ठीक है, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर सकता है? 4.54 एम्पीयर का करंट चाहिए. अगर इससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा डिजायरेबल है, बट बहुत ज्यादा, अगर इससे ज्यादा सपोज 6 एम्पीयर या 5.5 एम्पीयर का करंट अगर इससे फ्लो कर गया तो ये डिवाइस क्या होगी? खराब हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो इतना करंट सहन नहीं कर सकता. तो इसीलिए यहाँ पे इस डिवाइस के साथ एक हम फ्यूज लगाएंगे जिसकी रेटिंग क्या होगी? 5 एम्पीयर. ठीक है, क्योंकि इससे कम हम लगा नहीं सकते. अगर इससे कम लगाएंगे तो वो पहले ही मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज जो है वो पहले ही मेल्ट हो जाएगा और इतना करंट उसे मिल ही नहीं पाएगा. तो हमें इतना करंट तो चाहिए ना, ताकि इतना करंट इजिली फ्लो कर सके. तो हम मैक्सिमम फ्यूज कितनी रेटिंग का लगाएंगे? 5 एम्पीयर. अगर एनसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आई निकालिए और ऑप्शन में देखिए, नियरेस्ट, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नियरेस्ट फ्यूज किस रेटिंग का दिया हुआ है. तो वहां पे हम कौन सा फ्यूज लगाएंगे? 5 एम्पीयर रेटिंग का लगाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जो फ्यूज होता है उसको हम केसिंग में बंद करते हैं. वो केसिंग बनी होती है, कार्ट्रिज बनी होती है पोर्टलेन की बनी होती है, पोर्टलेन मटीरियल की बनी होती है. कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एप्लीकेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल which comes related to heating effect of electric current, power and electrical energy consumed. Thank you for this lecture. If you like my video, please subscribe on my YouTube channel, that is Brisha Conceptual Classes for Science and Mathematics, and please like our videos too.